हाय एवरीवन, जैसा कि इसके पहले हमने पहले वाली वीडियो में क्या देखा था, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड कंसेप्ट को पढ़ा था। अब आइए ट्रांसपोज पे ही रिलेटेड हमारा एक्सरसाइज 3.2 दिया गया है, जिसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। तो देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, मतलब जो मैट्रिक्स दी गई हैं उसका हमें ट्रांसपोज ज्ञात करना है। तो ए मैट्रिक्स हमें ये दिया गया है, इसका हमें ट्रांसपोज ज्ञात करना, तो हम क्या लिखेंगे, ए ट्रांसपोज इक्वल टू, सिंपली हम ट्रांसपोज में क्या करते हैं, जो कॉलम दिया गया हो उसको रो बना देते हैं, या जो रो दिया गया हो उसको हम कॉलम बना लेते हैं। तो इसमें देखिए, ये हमारा क्या दिया है, एक कॉलम दिया गया है तो इसको हम रो बनाते हैं, इसको रो हम बना लेते हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये माइनस हो, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये हो जाएगा। उसी प्रकार से इस वाले मैट्रिक्स का देखेंगे, तो यहाँ बी ट्रांसपोज आप लिखिए। अब देखिए, यहाँ पे जो कॉलम दिया है उसको रो बना दें, ये कॉलम है इसको रो बना लिए, ये कॉलम है इसको रो बना लिए, माइनस 1 और ये 3, और इस वाले का उत्तर आप एस डब्ल्यू के रूप में आप इसको कर लीजिएगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड का आंसर, थर्ड वाला तो आप लोगों को करना ही है। अब देखिए सेकंड वाले में हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया गया है, इफ़ ए मैट्रिक्स हमें ये दी गई है और बी मैट्रिक्स ये दिया गया, और वेरीफाई हमें क्या करना है, ए प्लस बी का होल का ट्रांसपोज इंडिविजुअल के ट्रांसपोज के सम के इक्वल है। उसी प्रकार से ये वाला क्या है, ए प्लस बी का होल का ट्रांसपोज इंडिविजुअल ट्रांसपोज के डिफरेंस के बराबर है, यानी कहने का मतलब ए प्लस बी का पूरे का ट्रांसपोज जोड़ के पूरे का ट्रांसपोज करें तो किसके बराबर होगा, हमारा इंडिविजुअल ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज, और ए प्लस ए माइनस बी का सब्ट्रैक्ट करके उसका ट्रांसपोज करें उसके बाद से वो किसके बराबर होना चाहिए, हमारा इंडिविजुअल के ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए हम पहला वाला लेकर चलते हैं, तो ये पहला वाला हमारा क्या दिया गया है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू हमारा क्या दिया, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज दिया गया है। तो हम एल एच एस को लेकर चलते हैं, एल एच एस हमारा क्या दिया गया है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज दिया गया है, ट्रांसपोज अभी हम कर लेंगे, पहले ए प्लस बी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए प्लस बी फाइंड आउट करने के लिए हम ए प्लस बी को, मतलब ए को हम यहाँ ना लिख के, बी को यहाँ ना लिख के, डायरेक्ट हम ए को यहाँ से रेफ़र कर ले रहे हैं और बी को यहाँ से रेफ़र कर ले रहे हैं। तब देखिए पहले लिख लेते हैं, नहीं तो आप लोगों को समझ में सही से आएगा नहीं। 2 ये 5 हो जाएगा, उसके बाद से ये 5, 7 ये हमारा हो जाएगा 9, माइनस 2, 1, उसके बाद से हमारा क्या हो जाएगा, ये बी हमारा क्या दिया गया है, माइनस 4, 1, ये माइनस 4, 1, उसके बाद से ये माइनस 5, 1, 2, 0, उसके बाद से 1, 3 और ये 1 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद से अगर आप ऐड करेंगे इसको ए प्लस बी को, अब ए प्लस बी को ऐड करना, तो ये हमारा क्या मिलेगा, माइनस 5, और उसके बाद से ये हमारा 3 हो जाएगा, इसके बाद से ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको 5 और 1 को ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, 7 और 2 को 9 हो जाएगा, 9 और 0 को हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, उसके बाद 5 माइनस 2 और 1 को माइनस 1 हो जाएगा, 1 और 3 को ऐड करेंगे आपको क्या मिलेगा, 4, 1, 1 को 2, तो ये हमारा a प्लस बी आ गया। अब यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो इसके फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, जो हमें रो दिया गया है उसको कॉलम बना देना है। तो ये हमारा रो है, इसको आप कॉलम बनाइए, माइनस 5 और इसको 3, उसके बाद से ये 0, उसके बाद से हमारा ये रो दिया इसको कॉलम बनाइए 6, 9, 9 हो जाएगा, उसके बाद से ये रो दिया इसको कॉलम बना लेते हैं, माइनस 1, 4 और ये 2, तो ये हमारा ए प्लस बी का जो रिजल्टेंट आया उसका ट्रांसपोज। और हमें इसके बाद से हमें अब आर एच एस वाला लिखते हैं, आर एच एस साइड में हमें क्या दिया गया है उसको हम लिखते हैं, आर एच एस साइड में ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज ये ज्ञात करना। तो देखिए अब यहाँ से आप ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, ये कुछ ज़्यादा ही छोटा हो जा रहा है, यहाँ प्लस लिख लीजिए, यहाँ हमारा ये हमारा हो जाएगा बी ट्रांसपोज हो जाएगा। अब देखिए ए ट्रांसपोज करेंगे तो ये जो रो दिया गया उसको कॉलम बना लीजिए,
तो ये हमारा -1, 2, ये 5 हो जाएगा। और उसके बाद से इस रो को कॉलम बना लीजिए, 5, 7, 9। उसके बाद से इस रो को कॉलम बना लीजिए, -2, 1, 1। उसी प्रकार से इस रो को आप कॉलम बनाएंगे, -4, 1 और ये -5। इस रो को आप कॉलम बनाएंगे, 1, 2, 0। इस रो को आप कॉलम बनाएंगे, 1, 3, 1। यहाँ पे आप लोगों को एक कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, शायद आप लोगों को एक कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि हम कभी रो को लेकर ट्रांसपोज कर रहे हैं, कभी कॉलम को। तो आपको बता दें कि आप चाहे रो को, यानी कि इस वाले रो को लेके कॉलम बनाइए या इसके कॉलम को लेके रो बनाइए, दोनों कंडीशन में आपका ट्रांसपोज सेम ही होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस पे हमने रो को लेके ट्रांसपोज किया है, यानी कि फर्स्ट रो को हमने यहाँ पे कॉलम बनाया, सेकंड रो को भी यहाँ पे कॉलम बनाया, थर्ड रो को हम कॉलम बनाए। अब इसके बाद है, अगर इसके कॉलम को लेकर हम रो बनाएं, तो यहाँ पे देखिए इसका कॉलम क्या दिया, -1, 5, -2। तो यहाँ पे देखिए ये रो बना हुआ है, इसका कॉलम यहाँ पे रो बना हुआ है, इस वाले का कॉलम इसका यहाँ पे रो बना हुआ है। तो आप चाहे जो दी गई मैट्रिक्स को उसके रो को ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स में कॉलम बना दीजिए, या दी गई वाले मैट्रिक्स में से कॉलम को जो हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखना है उसमें रो बना दीजिए, दोनों कंडीशन में आपका ट्रांसपोज समान होगा। ठीक है, अब देखिए हमने ए और बी का ट्रांसपोज हमने लिख लिया है। अब यहाँ पे इसका रिजल्ट लिखते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, यहाँ हम रिजल्ट लिखेंगे इसका। तो आप देखिए यहाँ पे -1, -5 को आप ऐड करेंगे, -4 को ऐड करेंगे, -5 मिलेगा, 5 और 1 को आपको 6 मिलेगा, और यहाँ पे -2, -1 को यहाँ -1, 1, 2 आपको क्या मिलेगा, 3, 2, 7, 9 मिलेगा। उसके बाद से 3, 1 आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, -5, -5, -5 प्लस 5 0 हो जाएगा, 9, 0, 9, उसके 1, 1, 2। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ए प्लस बी का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज जो कि हमारा ये है, दोनों आपस में इक्वल हैं, यानी कि हमने प्रूव कर दिया कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। यहाँ पे लिख सकते हैं एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक इसी प्रकार से ये भी है, इसमें क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि यहाँ जो हमने प्लस निकाला है, यहाँ पे ए माइनस बी निकाल के आप ट्रांसपोज करके इस कुछ रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा, उसके बाद से ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज यहाँ पे यह माइनस करके जो रिजल्टेंट आएगा आप देखेंगे इक्वेट करके दोनों इक्वल होंगे। इसके बाद से हम अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हमने एच डब्ल्यू इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसमें देखिए जो जैसा हम लोग क्वेश्चन सेकेंड किए हैं सिमिलरली उसी प्रकार से है, और इसमें अंतर सिर्फ यही है कि इसमें ए की वैल्यू ना देकर, मतलब ए वाली मैट्रिक्स ना देकर ए ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स दी गई है। तो सिंपली आप क्या कीजिएगा, ए ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स जो दी गई है वहाँ से आप ए वाली मैट्रिक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, जो ए ट्रांसपोज की मैट्रिक्स का रो दिया गया हो उसको ए वाली मैट्रिक्स में कॉलम बना लीजिएगा, उसी प्रकार से पूरे रो के लिए आप करते चले जाएंगे, आपको ए वाली मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो आशा करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 कर लेंगे। उसके बाद से हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए ए ट्रांसपोज इक्वल टू ये दिया है और बी ट्रांसपोज की ये दी, बी ट्रांसपोज नहीं है, ये बी वाली मैट्रिक्स इस प्रकार से दी गई, और फाइंड आउट हमें क्या करना है, ए प्लस टू बी का होल का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि ए वाली मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से ए वाली मैट्रिक्स आप फाइंड आउट करेंगे तो आप देखिए यह इसके रो को आप यहाँ पर कॉलम बना लीजिए, -2, ये 3 हो जाएगा। उसके बाद से इस रो को कॉलम बनाइए, 1, 2 हो जाएगा। उसके बाद से हम फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है हमें, ए प्लस टू बी हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम ए प्लस टू बी, ए हमारा क्या है, -2, ये 1 हो जाएगा, 3, 2। अब देखिए टू बी करना है, यानी टू हमारा 2 का मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो इसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स में आप कर लीजिए। तो यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, और उसके बाद ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से अब हम यहाँ पे पूरा रिजल्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखिए -2, -2 आपको क्या मिलेगा, -4, 1 हो जाएगा, ये हमारा ये -4, इस वाला ये वाला बना, 3, 2 हमारा ये हो जाएगा, 5, 2, 4 हमारा 6 हो जाएगा। अब देखिए हमको तो ये फाइंड आउट करना ही नहीं था, हमको फाइंड आउट करना ए प्लस बी, ए प्लस टू बी का होल का ट्रांसपोज हमें फाइंड आउट करना। तो यहाँ से देखिए यहीं पे हम लिख लेते हैं ए प्लस टू बी
कार ट्रांसपोज। अब देखिए इसका ट्रांसपोज करना तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, माइनस फोर ये फाइव हो जाएगा, उसके बाद ये वन हो जाएगा, ये सिक्स हो जाएगा। तो हमारा इस वाले का क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ये आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को देखते हैं, तो उसके पहले इनको हम मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ दिया गया फॉर द मैट्रिसेस ए एंड वी वेरीफाई दैट ए इंटू वी होल का ट्रांसपोज इक्वल टू वी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, वेयर ए की वैल्यू वी की वैल्यू डिफरेंट क्वेश्चन के लिए हमें दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सेकेंड वाला क्वेश्चन आप एच डब्ल्यू के रूप में सॉल्व करेंगे। तो चलिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हम पिक करते हैं। तो हमें ए पे क्या, ए की वैल्यू हमें क्या दी गई है, ए की वैल्यू एक हमें कॉलम मैट्रिक्स दी गई है फोर, और ये हमारा थ्री है, उसके बाद से ये फोर है हमारा, उसके बाद से हमारा बी वाली मैट्रिक्स क्या दी गई है, बी हमारा एक रो मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है क्या माइनस वन टू वन। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, ए इंटू बी, तो यहाँ से हम लिखते हैं ए इंटू बी, ए इंटू बी हमें वेरीफाई क्या करना है वो लिखते हैं, हमें वेरीफाई करना है ए इंटू बी होल का ट्रांसपोज हमारा क्या है, बी ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज के बराबर। तो हम यहाँ से एल एच एस को लेकर चलते हैं, एल एच एस, एल एच एस हमारा क्या है ए इंटू बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, ए इंटू बी फाइंड आउट करते हैं। तो ए हमारा क्या है, ए हमारा क्या है वन, ये माइनस फोर है और ये हमारा थ्री है, उसी प्रकार से बी हमारा क्या है माइनस वन, ये टू वन, ये दिया गया है। अब ए इंटू बी, अब देखिए सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करते समय हम क्या देखते हैं, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, सेकेंड वाली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज के बराबर होनी चाहिए। तो इसमें देखिए इसका अगर आप ऑर्डर लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, थ्री क्रॉस वन, यहाँ थ्री क्रॉस वन, और ये हमारा क्या हो जाएगा वन क्रॉस थ्री इस मैट्रिक्स का है। तो देखिए फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम वन है, दूसरे वाली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो बराबर है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन हम आसानी से कर सकते हैं। तो सिंपली अब क्या करना, मल्टीप्लिकेशन करना और क्या करना। तो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स में से फर्स्ट रो को हमने उठाया, इसमें किया तो यहाँ माइनस वन मिल गया आपको। अब देखिए अब इसी रो का मल्टीप्लिकेशन इस वाले कॉलम में तो क्या मिलेगा, टू मिलेगा। अब इसी रो का इस वाले में वन मिलेगा, उसी प्रकार से यहाँ माइनस, अब सेकंड वाले रो को आप पकड़िए, सेकंड वाले रो का फर्स्ट वाले कॉलम में तो अब क्या मिलेगा, फोर मिलेगा, फोर यहाँ पे एट हो जाएगा और यहाँ पे माइनस फोर। इतना जल्दी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वाला टॉपिक हम इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुका है। अब थ्री का करेंगे तो यहाँ पे माइनस थ्री हो जाएगा, उसके बाद से यहाँ सिक्स हो जाएगा और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। तो ये हमारा ए इंटू बी आ गया। अब ए इंटू बी आ गया तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए इंटू बी का ट्रांसपोज ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम एक डंडी खींचते हैं और यहाँ हम लिखते हैं ए इंटू बी होल का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर ट्रांसपोज करेंगे तो यानी कि इसमें जो रो दिया गया उसको कॉलम बना, तो ये रो दिया गया इसको हम कॉलम बना लेते हैं, माइनस वन टू वन ये हमारा हो जाएगा और ये हो जाएगा फोर एट, ये हमारा हो जाएगा माइनस फोर, और कुछ ज़्यादा स्टाइल वाला बन जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस थ्री सिक्स ये थ्री। तो ये हमारा क्या हो गया, ए इंटू बी का ट्रांसपोज। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं हमारा कहीं गड़बड़ ना हो। तो यहाँ देखिए माइनस वन आ गया हमारा, टू वन सही है, फोर एट फोर माइनस फोर सही है, माइनस थ्री उसके बाद सिक्स और ये हमारा थ्री, यानी कि ये हमारा सही है। अब इसके बाद से देखिए एल एच एस वाला हमारा ये आ गया है। अब इसके बाद आर एच एस को सॉल्व करने के लिए इसको हमें मिटाना पड़ेगा। तो सिंपली हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और क्या करते हैं, ये हमारा कौन सा जो आया है, ये हमारा इसको डब्बा हर दीजिए, यानी डब्बा में बंद कर दीजिए। ये हमारा एल एच एस वाला था, यहीं पे लिख लेते हैं एल एच एस वाला ये हमारा है, ये एल एच एस वाला हमारा है। अब आर एच एस से, अब आर एच एस वाला लेकर चलिए
देखिए RHS हमें ज्ञात करना है, बी इंटू ए ज्ञात करना है, नहीं बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज ज्ञात करना है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अब देखिए बी ट्रांसपोज ज्ञात करना है, तो देखिए बी ट्रांसपोज जब ज्ञात करेंगे तो ये देखिए ये हमारा क्या है कॉलम मैट्रिक्स, ये हमारा रो मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज जब आप ज्ञात करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा कॉलम हो जाएगा, ये माइनस वन हो जाएगा, ये टू हो जाएगा, ये वन हो जाएगा। अब ए ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे आपको यहाँ पे, तो ये जो कॉलम मैट्रिक्स है ये हमारा रो मैट्रिक्स हो जाएगा, वन ये माइनस फोर और उसके बाद से ये हमारा क्या हो जाएगा थ्री। अब देखिए यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें क्या नियम है हमारा कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, तो यहाँ पे आप आर्डर लिखेंगे तो ये थ्री बाई वन का है और ये वन बाई थ्री का है, यानी कि ये और ये आपस में बराबर है, देन तब हम मल्टीप्लिकेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए आपको क्या करना, माइनस वन का सम में करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस वन, ये हो जाएगा फोर, ये आपको मिलेगा माइनस थ्री, उसके बाद से हमारा क्या हो जाएगा उसके बाद से टू का टू हो जाएगा माइनस एट हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा सिक्स हो जाएगा, उसी प्रकार से वन का करेंगे वन माइनस फोर उसके बाद से ये थ्री। अब देखिए RHS वाला हमारा ये है, LHS वाला हमारा ये है, ए इंटू बी होल का ट्रांसपोज हमारा का माइनस वन फोर माइनस थ्री टू एट सिक्स वन माइनस फोर थ्री, उसी प्रकार से हम बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हमने किया है तो क्या आया है माइनस वन फोर माइनस थ्री टू माइनस एट और ये सिक्स माइनस फोर उसके बाद से ये थ्री। ए इंटू बी हमने जब फाइंड आउट किया है इसमें देखिए आप, तो ये माइनस फोर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस एट, गलती से हमारा वहाँ उस वाले में हमने लिखा था एट, तो यहाँ इसको सुधार कर लीजिएगा आप, यहाँ माइनस एट होगा, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा जी ठीक। उसी प्रकार से इसका उत्तर आप इसको आप एच डब्ल्यू के रूप में इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें ये वाला पॉइंट आप देख लीजिएगा, अब मिटा दिए इसको बार बार लिखेंगे फिर से तो दिक्कत होगी ना, तो माइनस फोर का मल्टीप्लाई जब हमने माइनस वन में किया है तो यहाँ पे हमें क्या मिला है फोर मिला है, उसके बाद से जब हम माइनस फोर का मल्टीप्लाई टू में करेंगे माइनस एट मिलेगा, उसके बाद से ये वाला पॉइंट आप लोग देख लीजिएगा, इसको ये हमारा माइनस एट हो जाएगा, जो ए इंटू बी वाला हमने लिखा वहाँ पर आप माइनस एट इसको कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे, थैंक यू।